वीदा पीपल, हम भारत के लोग में जब हम बात करते हैं कि यहाँ सारे के सारे जो डिसीजन हैं वो कलेक्टिव होते हैं, तो लोग इसको समझ नहीं पाते। बहुत सारे जो जानकार लोग हैं वो ये कहते हैं जी कि क्या आप संसद के पैरेलल संसद बना रहे हैं या पार्लियामेंट के पैरेलल पार्लियामेंट बना रहे हैं। तो मैं उनके लिए यहाँ बता दूँ कि दो तरह की व्यवस्थाएँ पूरे भारत में चलती हैं। एक व्यवस्था चलती है जिसमें व्यक्तिवाद होता है, राजा रानी का पुत्रवाद होता है या जिसको राजतंत्रवाद बोलते हैं, और एक उसके अंदर होता है मनुवाद। ये तीनों वाद एक हैं। इसके अंदर एक राजा होता है, एक उसका महामंत्री होता है, एक उसका कोषाध्यक्ष होता है, एक उसका जो कुछ उसके दरबारी होते हैं, और बाकी जनता होती है जो त्राहीमान त्राहीमान और हमेशा याचिका करती रहती है। वो कभी राजा नहीं बन सकती, वो कभी दरबारी नहीं बन सकती, प्रजा के लिए निषेध होता है। इसको व्यक्ति की रचना, राजा की रचना, संरचना, स्ट्रक्चर या उनका विधान बोल सकते हैं या मनु का विधान बोल सकते हैं। उसी पैटर्न पे भारत के जितने भी छोटे छोटे ग्रुप हैं उन्होंने अपने ग्रुप बनाए जिनको वो संगठन कहते हैं। तो वहाँ वो एक प्रधान बनाते हैं राजा की तरह, वो राजा हो गया। एक वहाँ अपना महासचिव बनाते हैं, वो उनका महामंत्री हो गया। एक वहाँ वो अपना ट्रेजरर बनाते हैं, वो कोषाध्यक्ष और खजांची हो गया। कुछ वो अपने सचिव बनाते हैं, सेक्रेटरी बनाते हैं, वो उनके दरबारी हो गए जो उनके चापलूस हैं। और बाकी जनता हो गई जिसको सिर्फ लुटना है और लूटना है, उनसे चंदा लेना है, उनसे झंडा उठवाना है। उन्हें वो कभी भी प्रेसिडेंट या कभी भी सचिव बनने की लाइन में नहीं आते, क्योंकि सिस्टम उनका ऐसा ही होता है। और अगर वो डेमोक्रेसी के नाम पर कोई नाटक भी करें तो वही 10-20 लोग घूम के बनते रहते हैं। जो यहाँ जितने भी ग्रुप हैं उनकी ये संरचना रही है। तो वी द पीपल ने ये स्टडी किया कि इससे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। दरअसल अगर आप मनुस्मृति के आधार पर रचना बनाएंगे, अपने जो स्ट्रक्चर है अपने ग्रुप का, जो अपना खाका है बनाएंगे, या जो उसकी प्रणाली है सिस्टम है वो बनाएंगे, या व्यक्तिवाद पे आधारित बनाएंगे, या प्रधानवाद पे, या मनुवाद पे, या राजा रानी वाद पे बनाएंगे, तो उसका रिजल्ट वैसा ही आता है, इसलिए परिणाम नहीं आते। तो देखा गया, साधारण लोगों ने ये देखा कि बुद्ध ने जो बनाया था वो संघवाद था, वो गणवाद था, और वो बुद्ध से पहले भी विद्वान था। शाक्य संघ में गण संघ था, गण के हिसाब से वहाँ वोटिंग वगैरह होती थी। तो बुद्ध ने संघ बनाए, संघ के नियम बनाए, वही नियम बाबा साहब ने संविधान में दिए, जहाँ पूरी भारत के जो लोग हैं वो सारे के सारे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो उनके अनुसार काम करते हैं। इसको संघवाद बोलते हैं, इसको संविधानवाद बोलते हैं। तो कोई आदमी जब ये कहता है कि आप संविधान की तरह काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम संविधान का जैसा स्ट्रक्चर है वैसा स्ट्रक्चर यहाँ लागू कर रहे हैं, और वीदा पीपल में जितने डिसीजन होंगे वो लोग करेंगे, लोग आपस में चुनेंगे, लोग अपने आप ही उसको बनाएंगे। तो ये पैरेलल सिस्टम नहीं है, क्योंकि पैरेलल सिस्टम जो गवर्नमेंट का है वो बड़ा सिस्टम होता है। हमने सिर्फ वहाँ से लोगों को, अपने लोगों को इकट्ठा करने का सिस्टम लिया है, इस सिस्टम पे इकट्ठा होंगे। क्योंकि सरकार जो होती है वो तो सभी की होती है, वो समण की भी है, वमण की भी है, मगर ये स्ट्रक्चर वमण का है। सरकार के पास में बहुत चीज़ें होती हैं, उनके पास में बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, एजुकेटिव होते हैं, जज होते हैं, सेना होती है, मिलिट्री होती है, पुलिस होती है, नोट छापने का अधिकार होता है, नोट इकट्ठा करने का अधिकार होता है, टैक्स लगाने का होता है, देश विदेश से संपर्क करने का अधिकार होता है। सरकार का जो सिस्टम होता है वो संविधान के अनुसार बहुत बड़ा होता है, इसलिए पैरेलल नहीं है ये। दरअसल वहाँ से कंसेप्ट है कि जो व्यक्तिवाद के उलट में जो कंसेप्ट है वो संवैधानिक है। संवैधानिक का मतलब है संविधान, यानी कि जो विधान है उनमें समता है। समता के विधान का जो कंसेप्ट है वो संवैधानिक कंसेप्ट होता है। भारत में समता के विधान का कंसेप्ट है, वही हमने यहाँ वीदा पीपल में लिया है। समता के विधान का कंसेप्ट संवैधानिक कंसेप्ट है, उसी के अनुसार यहाँ बैठक होती है। उसको हम संसद भी कह सकते हैं, उसको हम सदन भी कह सकते हैं, उसको हम हाउस भी कह सकते हैं, उसको हम बैठक भी कह सकते हैं, उसको हम पूरे के पूरे समूह की मंत्रणा भी कह सकते हैं, या परिषद की मंत्रणा भी कह सकते हैं, परिसा भी कह सकते हैं, नाम आप कुछ भी दे दें। तो यहाँ संविधान लिया गया है। संविधान का जो उलट होता है वो होता है विषम विधान। तो यहाँ विषम विधान नहीं है, संविधान है, इसलिए पैरेलल नहीं है। एग्जैक्टली वही जो समता के नियम है, समता के विधान के नियम है, वही इसमें लागू किए गए हैं। इसलिए चूंकि लोगों को बताया जाता है अखबार में, न्यूज में, वो पैरेलल गवर्नमेंट बहुत सारा सुनते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि पैरेलल कुछ संविधान के पैरेलल है। पैरेलल नहीं है, एग्जैक्टली जो समता के विधान के नियम हैं वही नियम लिए गए हैं, और वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए दुनिया के सभी देशों में सबसे अच्छे माने जाते हैं। वही लोग देशभक्त हैं जो समता के विधान के नियम अपने संगठन में,
अपने संघ में, अपने समूह में, अपने ग्रुप में लागू करते हैं। तो भारत में समण समाज में बुद्ध के बाद ये बी द पीपल के अंदर पहली बार ये कंसेप्ट लिया गया है कि ये संविधान पे, समता के विधान पे चलेगा। इसका कोई व्यक्ति कभी भी सर्वे सर्वा नहीं होगा, जो व्यक्ति चुना जाएगा उसको संविधान के तहत लोग सारे मताधिकार से चुनेंगे, और इसका जो सर्वोपरि होगा वो जो संविधान में नियम होते हैं वो नियम होंगे। आप कह सकते हैं कि भारत का संविधान इसका नेता रहेगा, क्योंकि उसी में समता के नियम सारे के सारे हैं। नए नियम बनाने की आवश्यकता पड़ नहीं सकती और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कोई चेंज करना चाहे तो वो आपस में मिलकर इसको चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।